नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। इस्तीफे मंजूर करने की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष चैंबर के बाहर धरने पर बैठे तीन निर्दलीय। विक्रमादित्य बोले, आपदा के वक्त कहां थी हिमाचल की बेटी, चुनाव में देना होगा जवाब। नाहन में केंद्र सरकार के खिलाफ गर्जी कांग्रेस, जमकर की नारेबाजी। कांगड़ा के रक्कड़ में खेतों में बंदरों को भगाने गई नानी और दोहती की करंट लगने से मौत। किन्नौर के मलिंग में बर्फ पर फिसलने से सड़क पर पलटी एचआरटीसी बस, बाल बाल बचे यात्री। रहन के जवान का इलाहाबाद में निधन, चार दिन पहले गया था छुट्टी काटकर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के तीन निर्दलीय शनिवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर के बाहर धरने पर बैठ गए। बीजेपी में शामिल होने से पूर्व इन निर्दलीय ने 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा सौंपा था। निर्दलियों का कहना है कि एक सप्ताह बाद भी इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। इसको देखते हुए विधायक केएल ठाकुर, आशीष शर्मा, होशियार सिंह धरने पर बैठ गए हैं। तीनों निर्दलीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया बड़ा हमला। बोला विक्रमादित्य ने, कहा बरसात में मंडी और कुल्लू जिला में सबसे ज्यादा तबाही मची है, मगर कंगना को उस दौरान हिमाचल की याद क्यों नहीं आई। उस समय मुंबई से उनका सर्वर डाउन हो गया था। विक्रमादित्य ने कहा कि अब कंगना कह रही है कि वह हिमाचल व मंडी की बेटी है, जब आपदा आई तो बेटी कहाँ थी। कंगना को इस बात का जवाब आने वाले दिनों में देना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के खातों को सील करने और कांग्रेस को आयकर विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने के विरोध में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में विधायक अजय सोलंकी की अगुवाई में रोष रैली निकाली और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार, ईडी के साथ साथ आयकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि लोकतंत्र का देश भर में चीर हरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई व ईडी बदले की भावना से केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कांगड़ा जिले में एक दर्दनाक हादसे में नानी व दोहती की मौत हो गई है। रक्कड़ पुलिस थाना के अंतर्गत सलेटी में बिजली की तार से करंट लगने से नानी व दोहती की मौत हो गई है। खेतों से बंदरों को खदेड़ते हुए यह हादसा हुआ। बीती रात को तूफान के कारण बिजली का तार टूटकर खेतों में गिर गया, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन सुबह खेतों में गई नानी व दोहती की करंट लगने से मौत हो गई। किन्नौर जिले में शनिवार सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया। रिकॉम्पियो जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस मलिंग में अचानक बर्फ पर फिसलने से सड़क पर पलट गई। इससे बस में सवार करीब 12 यात्रियों में दहशत व चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। सभी यात्री सुरक्षित है। जिला कांगड़ा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले रहन के सेना में कार्यरत जवान का निधन हो गया है। रहन के साथ सटे लरहू के नरनूह का जवान जसबीर सिंह पुत्र करतार सिंह सेना में इलाहाबाद में तैनात था। बताया जा रहा है कि 28 वर्षीय जसबीर सिंह का किसी बीमारी के चलते निधन हो गया है। लोगों ने बताया कि जसबीर मंगलवार को ही एक माह की छुट्टी काट कर वापस ड्यूटी पर गया था और आज इलाहाबाद में उसका निधन हो गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।